लद्दाख राइड प्लान कर रहे हो तो ये 10 गलतियां मत करना गाइस। जैसा आपको पता है मैंने ऑल इंडिया राइड किया है मेरे पूरे लाइफ टाइम में, एंड अबाउट 3,68,000 किलोमीटर्स मैंने कवर किया है इस इंडिया जर्नी के टाइम पे। उत्तराखंड, लद्दाख, जितने भी पहाड़ी एरिया बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट, सब मेरा हो गया है। एंड मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, बट उसमें से कुछ 10 गलतियाँ मैंने अभी इधर शॉर्टलिस्ट की है। एक बंदा आपका जो फेवरेट यूट्यूबर है उसने बोल दिया कि भाई 50,000 में राइड हो जाता है, 10 दिन की राइड है, 15 दिन की राइड है, आप 50,000 में कर लोगे। फिर आपको पता चला आप राइड पे गए आपका 1 लाख खर्चा हो गया। कभी भी जो है बजट ज़्यादा ही पकड़ना। जैसे मैं इसको एक सिंपल टर्म से समझाता हूँ, कोविड के बाद में ना हर चीज़ का प्राइस बढ़ गया है। 21 में लेह लद्दाख राइड हम लोग करके आए थे, हमारा 86,000 का बजट था फॉर 25 डेज, 86,000, बट ऑल्सो रिमेंबर 25 डेज था, तो आप उसमें अपने हिसाब से लगाओ। और हमारे होटल्स भी जो थे वो काफ़ी डिसेंट ही थे, इतने ख़राब भी नहीं थे, प्लस हम लोग बड़े ग्रुप में थे तो ये हो गया। बट अगर हम लोग ग्रुप की साइज़ कम करते तो उतना ही पैसा लगता, अगर हम लोग थोड़े दिन कम कर देते तो उतना ही पैसा लगता। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वॉट एवर बजट यू आर कैरिंग, उसके साथ में आपको एक बैकअप अमाउंट आपको बनाना है। तो लोग क्या करते हैं राइड के ना 5-6 दिन पहले, या कितने लोग तो मतलब 3 दिन पहले ना गाड़ी को रेडी करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं गाइस। इसमें क्या होता है ना, आपको गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आने वाला है ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई सस्ते में मेरी गाड़ी रेडी कर दो। खाली इंजन ऑयल चेंज करेंगे, एयर फिल्टर चेंज करेंगे, भाई सस्ते में करो, सस्ते में करो, ये भी कम करो, वो भी कम करो, उस पर ना बहुत सारे पार्ट्स चेंज ही नहीं करते। जैसे अगर आपको बता दिया कि भाई चेन किट आपका चल सकता है, ठीक है, 3,000-4,000 चल सकता है, आपकी राइड है 6,000 किलोमीटर की, तो उसको रख दिया, तो ये गलती बिल्कुल मत करो। कि हम लोग ये लंबी लंबी राइड्स करते हैं ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम या साल में एक बार आप कर पाओगे। इसका रेलिवेंस कितना है, बहुत ज़्यादा है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की आप छुट्टी ले रहे हो अपने ऑफिस से, या अपने लाइफ में, अपने अपने डेली लाइफ से आप इतना टाइम निकाल रहे हो, तो आप ये रिस्क क्यों ले रहे हो कि भाई गाड़ी के अंदर आपने कम खर्चा कर दिया, आपने उसको रेडी नहीं किया। ये कभी नहीं करना है। टेक्निकली ये सोच के जाना है कि आपकी गाड़ी ब्रांड न्यू आप लेके जा रहे हो, और उसके बाद में आप सोचोगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। डे टू डे जर्नी में ना कुछ चीज़ें आप उसको अवॉइड कर सकते हो, लंबी राइड्स में नहीं कर सकते। डोमिनार के पार्ट्स भी है ना, आपको कम से कम 15-20 दिन रुकना पड़ेगा, इतना टाइम लगता है। KTM होती तो शायद 1 महीना रुकना पड़ता, कावासाकी होती तो भाई मेरे को 6 महीने पहले ऑर्डर डालना पड़ता कि मेरे को लद्दाख में जाना है। अपना स्पेयर पार्ट्स का एक आइडिया रखो, और कभी भी ना गाड़ी 2 महीने पहले चालू करो, क्योंकि क्या है ना फिर आपको चलाने का मौका मिलता है, आप 1-1.5 महीने में ना काफ़ी प्रॉब्लम निकाल सकते हो गाड़ी में, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन प्रिपेयर योर बाइक। तो रिमेंबर, 2 महीने पहले चालू करना है या 1.5 महीने पहले, एंड बजट के टाइम पे इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। आप कितनी भी लंबी राइड पे जाओ, आपके पास 100 सीसी की एक्टिवा हो या 1200 सीसी की BMW हो, आप कोई भी दिन में 500 से 600 किलोमीटर पूरे दिन में आप कर सकते हो। मतलब डे पीरियड में 5 बजे निकलो, 6 बजे निकलो, 7 बजे निकलो, आप शाम के 6 से लेकर 7 बजे तक 500 to 600 किलोमीटर्स आराम से कर लोगे। इसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट लोग क्या सोचते हैं ना कि लॉन्ग राइड पे ना बड़ी गाड़ी लगती है, ठीक है इतने किलोमीटर्स है, इन्होंने 1,000 कर दिया, इन्होंने 800 कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने फलाना कर दिया। कभी नहीं, दूसरों को देखने में कभी नहीं जाना है। इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ लॉन्गर डिस्टेंस, जैसे 800-1,000 आपको करना है, तो ट्राई करो कि वो आपका हाईवे रूट होना चाहिए, कभी भी माउंटेन नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में ना एक 100 किलोमीटर करने के लिए आपको 3 घंटा लगता है, कम से कम 3 घंटा, क्योंकि हर एक टर्न्स वर्न्स होता है ना, तो 30-35 किलोमीटर्स पर आवर आप कर पाओगे। लेकिन यही आप हाईवे पे ना 45 to 60 किलोमीटर आप 1 घंटे का कर सकते हो। अगर आप 80 से लेकर 110 पे चलोगे ना, आप 60 to 70 किलोमीटर आराम से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस कैलकुलेट सही से नहीं किया, इसमें ना हर टाइम हमारा नाइट राइड हो जाता था, हमेशा 8 बजता है, 9 बजता है, 10 बजे, कितने बजे तो 11 बजे, एक बार तो हम लोग रात के 4 बजे तक हम लोग चला के गए। भाई ये गलती कभी मत करना। एंड अगर आपको करना ही है नाइट राइड की, नहीं मुझे रात में चलाना है, इट शुड बी अ 3-लेन हाईवे, नॉट इवन अ 2-लेन, नॉट इवन अ सिंगल लेन, इट शुड बी अ प्रॉपर 3-लेन नेशनल हाईवे, तब नाइट राइड पॉसिबल है। स्टेट हाईवे पे, माउंटेन्स पे कभी नहीं करना है। जल्दी सुबह उठो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मैक्सिमम आप होटल से निकल जाओ, आपका शाम के 7 बजे तक आप होटल में पहुंच जाओगे, या एटलीस्ट आप अपने डेस्टिनेशन में रहोगे। कभी भी ध्यान में रखो गाइस, जब भी हम किसी नए डेस्टिनेशन पे जाते हैं ना, हमको हमेशा दिन में पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है ना वो डेस्टिनेशन कैसा है, क्या है, आपको थोड़ा स्टडी करने के लिए टाइम मिलता है। एटलीस्ट वो शाम का जो 1/2 घंटा होता है ना, आप काफ़ी समझ सकते हो। अगर आपका 15 दिन का ट्रिप है, तो ट्राई करो कि भाई 16-17 दिन आपके पास बैकअप हो, मतलब 2 दिन आपके पास बैकअप होना चाहिए। क्या होगा, अगर कोई डेस्टिनेशन आपको पसंद आया, आपको जो स्टे करना है,
आप नहीं कर रहे क्यों, आप कट टू कट चल रहे हो, तो वो उसके लिए रखो। कभी आपका गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया या कुछ हो गया आपको, अथवा बेटा व्हाट एवर द प्रॉब्लम इज, आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए एज बैकअप। फर्स्ट पॉइंट पे हमने पैसा बैकअप रखा था, यहाँ पे दिन का बैकअप भी चाहिए, कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए आपको, है ना। जब भी पेट्रोल पंप पे रुकना है ना, अगर आप ग्रुप के साथ चल रहे हो, भले आपके पास एक ही बंदा हो, भाई एक साथ पेट्रोल भरो। मुझे HP में भरना है, आपको इंडियन ऑयल में भरना है, मुझे शेल में भरना है, ये डिफरेंसेस मत रखो। आइदर बी श्योर कि भाई हम तीनों जाएंगे एक ही टाइम पे एक ही जगह पेट्रोल भरेंगे, या तो हम लोग अलग अलग राइड पे जाएंगे। तो किलोमीटर्स दोनों साथ में डिसाइड करो कि भाई सबकी कॉमन गाड़ी क्या है। यूजुअली 200 से 250 किलोमीटर हर एक की गाड़ी जाती ही आराम से। सबको फ्यूल स्टॉप एक साथ में ही लेना है, एक ही जगह पेट्रोल भरो। कोई लोग क्या करते हैं ना, एक हाइकिंग बैग लेके जाते हैं, कोई नॉर्मल अलग बैग लेके जाएगा, कोई या तो टेल बैग लेगा टैंक बैग लेगा, लेकिन लगेज सिस्टम एक प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग पिलियन के साथ जा रहे हैं, तो आपके पास एक टॉप बॉक्स हो, एक सैडल बैग हो, चलो टॉप बॉक्स नहीं चाहिए, सैडल बैग होना चाहिए, टैंक बैग हो अगर आपको रखना है। बेसिकली जितना आप लगेज कैरी करने वाले हो उसका एक प्रॉपर सेट ऑफ बैग रखो। देखो बहुत काम आता है, वो गाड़ी पे ही लगेगा, वो गाड़ी से ही उतरेगा, दैट बैग विल बी वेरी यूजफुल। हमेशा ना एक हाइकिंग बैग के चक्कर में मत रहो कि मैं इसी को लगाऊंगा। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मैं इस राइड के बाद मैं अगली राइड करूंगा या नहीं करूंगा, पता नहीं कब करूंगा। लेकिन अगर राइट लगेज सिस्टम होगा ना, ये आपका दिन में टाइम भी बचाएगा, प्लस आपका सेफली आप लगेज लेके जाओगे, सेफली आप लेके आओगे एंड कंफर्टेबल रहोगे ड्यूरिंग द होल राइड। सीट को हमेशा अपग्रेड करना, मैंने काफी लोग देखे, इनफैक्ट हमारे साथ एरिक भी जो था, ही यूज टू यूज एक बहुत बड़ा कोई तो सॉफ्ट जाड़ा वाला कपड़ा लेके आया था, उसके ऊपर बैठता था बंदा, उसने सीट अपग्रेड नहीं किया था। तो वहां से ही मुझे समझ में आया कि मैंने सीट अपग्रेड करके कितना अच्छा काम कर दिया। कोई भी अच्छा जेल सीट डाल दो, या फिर आप थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का फोम, अच्छे क्वालिटी का कपड़ा, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन यार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप अच्छे से अच्छे राइड्स है ना एक अच्छी सीट से आप कर सकते हो। अगर हम लोग कंफर्ट की बात करें तो अगला पॉइंट आता है बेस लेयर। ये गाइज मैंने लिटरली अभी जाके सीखा है, अभी जाके यानी कि मैंने काफी सारे राइड्स किए लेकिन अभी जाके सीखा है। मैं ना अपर बेस लेयर पहनता था। बेस लेयर क्या होता है, एक ऐसा टाइट कपड़ा जो हम लोग जिम में पहनते हैं ना वर्कआउट करने के लिए, उसमें कहते हैं पसीना वगैरह आ जाता है फिर भी और बॉडी लाइक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप एकदम टाइट फील करते हो एंड योर मसल्स आर ऑलवेज दिस थिंग कॉम्प्रेस्ड रहता है। क्या करूँ, ये जो पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लद्दाख राइड में आपको काम आएगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि व्हाट आई एम कैरिंग ड्यूरिंग द लद्दाख ट्रिप। मिलता है कल, जय श्री राम।